लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घर से लेकर घाट तक छठ के गीत गूंजने लगे हैं और छठ महापर्व पर R9 टीवी की खास पेशकश के साथ आपको जाते जाते छोड़ जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी, मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आमतौर पे अगर हम छठ पर्व की मान्यता की बात की जाए तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं या यू कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में उगते हुए सूरज को सभी लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य की सभी स्थितियों को प्रणाम किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। निश्चित रूप से आज पूरे देश में छठ पर्व की पूरी तरीके से धूम है, सभी लोग खरीदारियां कर रहे हैं, पूरे मार्केट जो है, पूरे बाजार जो है वो फल फूल एवं साग सब्जियों से भरे पड़े हैं। निश्चित रूप से अगर हम छठ पर्व की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर गीत संगीत के बगैर ये छठ पर्व पूरी तरीके से अधूरा सा प्रतीत होता है, तो जाहिर सी बात है आज R9 टीवी के दर्शकों को निश्चित रूप से हम एक ऐसे गायक से मिलवाएंगे जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी धूम मचाए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की धरती पे जन्मे हुए राकेश उपाध्याय जी को। आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको। पहले तो सब दर्शक लोग के हम राकेश उपाध्याय हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा बनी और छठ का बहुत बहुत बधाई शुभकामना दे रहा बनी। हमार घर देवरिया जिला की ग्राम करौंदी पोस्ट भलवनी में पढ़ेला और पूर्वांचल के देवरिया जिला से निकल के आज जौन भी कुछ आप देखा रहे आपकी सम्मुख चाहते हैं कि आप छठ के अवसर पे हमारे दर्शकों को R9 टीवी के दर्शकों को एक प्यारा संगीत सुनाएं। आई जो हमने की पारंपरिक विधा में छठ का गीत बा वही के हम रुरा लोग के सुनाओ तनी, कोशिश कर तनी आ सबके प्रणाम करे चल तनी यही गीत बा। आपको हम बताना चाहते हैं और देश विदेश में छठ का पर्व इतना धूम से मनाया जा रहा है, लोक पर्व है ये छठ पर्व, जिसमें कहा गया है कि ये सूर्य भगवान का व्रत होता है। इसका इतना महत्व है कि यदि किसी को भी कोई असाध्य बीमारी है और दवा से सब चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा है तो उसको
छठ का यदि व्रत वो लोग करते हैं, और इसमें आपको एक खासियत बताएं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग रहते हैं, यदि पत्नी की तबीयत किसी कारणवश खराब है और वो नहीं रह पा रहे हैं तो उनके पति छठ का व्रत रखते हैं, और उसके बाद उनकी मनौती सब पूरी होती है और बीमारियां ठीक होती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी पौराणिक उसमें कथाओं में आ रहा है कि जिनकी गोद सूनी है उनको भी छठी मैया और सूर्य भगवान की कृपा होती है और उनका गोद भर जाता है। ये छठ की परंपरा है। और छठ की परंपरा में आई जब हम आपके भोर में लेके चलत रही गौरा माई कैसे सजावत रही दौरा के छठ का बरात लेके सुंदर दृश्य बात की वो घाट से लेके अंधर के बीच कर नहीं, जैसे अभी अभी आपने कहा कि छठ मैया की इतनी महिमा है कि जिसका गोद अगर नहीं सुना है तो जाहिर सी बात है उनकी महिमा से उनका गोद जो है भर जाता है, तो जाहिर सी बात है इस महिमा को आप अपने शब्दों में बखान कीजिए हमारे आरनाइन टीवी के दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे पूरा मूड में बने गौतम मिश्रा जी हमारे साथ हारमोनियम पर, सूरज जी हमारे साथ ढोलक पर, तो हमने के पूरा प्रयास था कि अपनी लोक परंपरा के पूरा विश्व पटल पर जौने के लोग आज घर घर में मनावत है। अरे सारे शिव जी होत भीनु सारे शिव जी कमर बजावे उठहु गौरा दा, अरे होत भीनु सारे शिव जी कमर बजावे उठहु गौरा दा, इस धरती पे जन्म होने के बाद आपने निश्चित रूप से इस देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में देश विदेश में भी आपने अपने गाने का परचम लहराया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप आरनाइन के दर्शकों को निश्चित रूप से इस गोरखपुरिया अंदाज में या गोरखपुरिया अंदाज में जाहिर सी बात है गोरखनाथ की धरती के अंदाज में आप थोड़ा सा हमारे आरनाइन के दर्शकों को संदेश दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। आज आप ऐसा विषय के लिए आते हैं कि बाबा गोरखनाथ की नगरी से इस समय हमने कार्यक्रम के कर रहा बनी जा, और जहाँ भी हम जानी तो जरूर एक गीत के प्रस्तुत कर ले जो आपके सामने हम सुना जाते हैं। अरे गोरखपुर गोरक्ष भूमि काशी शिव के नगरी मिर्जापुर विंध्याचल मैया